हाँ सचिन। सर आप रूटीन नाकाबंदी के दौरान जब गाड़ियां चेक कर रहे थे उसी समय मिली लाश। अच्छा, गाड़ी के साथ कोई आदमी वादमी था? हाँ सर, एक हरीश नाम का आदमी था। कहाँ है वो? उसे फॉरेंसिक भिजवा दिया ताकि सालों के साहब उसके फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल ले सके। सर लगता है आजकल क्रिमिनल्स में डर ही नहीं बचा है, डिक्की में ऐसे लाश लेकर घूमते जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। एक काम करते हैं, गाड़ी के पूरी डिटेल्स निकालो, साथ में मालिक के भी। सर ये है वो जिनकी गाड़ी से हमें लाश मिली थी। बताओ किसकी लाश है वो, कौन है वो, क्यों मारा उसे? सर मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, सर मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। चुप, जानते नहीं हो तो ऐसे ही मारा उसे? सर मुझे पता भी नहीं कि ये लाश मेरी गाड़ी में कैसे आई। सर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे खुराक देनी पड़ेगी। प्लीज सर, सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है। मैं सच कह रहा हूँ सर, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। इसका बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से तो तारिका इस आदमी की मौत 6 से 8 घंटे पहले हुई। 6 से? सर, सर इसकी घड़ी भी लगभग, ये देखिए लगभग 8 घंटे पहले ही बंद हुई है और टूट भी चुकी है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ तारिका कि यह आदमी 8 घंटे पहले कहीं गिरा था या किसी ने इसे गिराया और उसी दौरान इसकी सांसें भी बंद हो गई और इसकी घड़ी भी बंद हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, हरीश के कपड़ों का लिमिनोल टेस्ट करते हैं, शायद कुछ ब्लड स्ट्रेन मिल जाए। एक मिनट, ठीक है सीक्रेट पॉकेट। अच्छा चलो इसको टेस्ट करो। सर टेस्ट तो नेगेटिव है, कपड़ों में कोई खून के अंश नहीं दिख रहे। कमाल है, एक लाश को एक आदमी डिक्की में उठा करके रखता है और उसके कपड़ों पर कहीं भी कोई खून का धब्बा नहीं। सर हो सकता है उसने बीच में शायद अपने कपड़े बदल लिए हो। अरे हाँ कपड़े बदल लिए हो, लेकिन लाश को उठा करके रखा है, उस लाश को जिसके सर पर चोट लगी है, तो सर से खून बहा होगा न सिर्फ कपड़ों पर, उसके शरीर पर भी कहीं तो खून लगा होगा ना, खून का कोई धब्बा ही नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं, चक्कर क्या है? अरे क्या इसके नाखूनों में कुछ है? एक मिनट, यही हमारा सुराग है। अच्छा इसकी और बाकी की चीजें चेक की थी कपड़ों के अलावा? हाँ सर, बस जूतों में से थोड़ी मिट्टी मिली है। मिट्टी मिली है? हाँ दिखाती हूँ। ये देखिए। अरे का काम करो, इस मिट्टी को चेक करो, पता लगेगा ये कहाँ की कौन से एरिया की मिट्टी है। सर मैं बीवी बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने बीवी बच्चों की कसम झूठी खा सकता है मगर अपनी नहीं, इसे अपनी कसम खिलवाते तभी। मैंने क्या कर रहे हो तुम? कसम कोई गोलगप्पे है जो बार बार खिलाओगे इसे? हाँ वो जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है,
तेरे कहने का मतलब है सारू के कि खून इसने नहीं किया है? बस फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से हमें इसके कपड़ों पर और इसके शरीर पर खून के जरा भी ट्रेसेस नहीं मिले, मतलब साफ है ये लाश के पास गया ही नहीं। सर मैं कह रहा था ना कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, सब सच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक मिनट, क्या हुआ सरंगी? बस ये देखो, यहां पर से पेंट खुरचा गया है और यही पेंट मुझे लाश के नाखूनों में मिला है। तो इसका मतलब है ये आदमी गाड़ी के डिक्की में रखने से पहले जिंदा था, जान थी उसमें, डिक्की में रखने के बाद अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने के लिए हाथ पर झाड़े होंगे, तब वो खरोंचे आ गए। सर मैं सच कह रहा हूँ, चाहे मुझे फांसी चढ़ाते लेकिन मैं मरते दम तक यही कहता रहूंगा सर, सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ ही नहीं किया सर। सचिन ले जाओ इसे। सर पूर्वी, मरने वाले आदमी के बारे में क्या पता चला? सर कुछ नहीं। उसकी जेब में से जो फोन मिला था उससे तो कुछ पता चला होगा? फोन बुक खाली है सर, कुछ भी नहीं है उसमें। सर उसके कॉल रिकॉर्ड की लिस्ट मंगवाई है। गुड, उससे पता चल जाएगा ये आदमी कहाँ कहाँ गया था, किस किस नंबर पर फोन किया था, सब कुछ पता चल जाएगा। सर जूतों में मिली मिट्टी की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, तो क्या कहती है रिपोर्ट? पायरंथ्रम के अंश मिले मिट्टी में से। What? मिट्टी में से पायरंथ्रम के अंश मिले? पायरंथ्रम तो एक पेस्टिसाइड होता है जो अक्सर लोग गार्डन में पौधों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तारिका सर उस हरीश की रिपोर्ट भी आ गई है। अच्छा, गुड गुड, दिखाती हूँ। क्या बोलती रिपोर्ट? विश्वास नहीं होगा आपको। ये बात है सर, जीपीएस के रिकॉर्ड के हिसाब से मरने वाला आदमी पहले अंधेरी से बोरीवली, फिर बोरीवली से बैंड्रा गया था। अंधेरी से ये गया बोरीवली और फिर बोरीवली से आया बैंड्रा। इस आदमी की मौत 8 घंटे पहले हुई है। 8 घंटे पहले तो जीपीएस से पता चल सकता है कि मरने से पहले आखिरी बार वो कहां पर था। बस जरा रिपोर्ट देखो। क्या ये बात है? रेडी, ले आओ इसे बाहर। क्यों, खून के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा करते हो? ड्रग्स? हाँ ड्रग्स, तुम्हारे कपड़ों में से अंश मिले हमें ड्रग्स के। सर मैं पैसों के लिए ड्रग्स सप्लाई करता हूँ लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। आज 8 घंटे पहले कहाँ थे तुम? सर 8 घंटे पहले मैं सेंटा क्रूज में था सर, वहाँ से मुझे दादर माल सप्लाई करना था, पर सर मैं दादर आया और वहीं पे गाड़ी पार की। तुम किसके लिए काम करते हो? उसका नाम नहीं पता सर। सर एक आदमी मुझे पैसे और माल देता था, बस मैं उस माल को डिलीवर करता था सर। सचिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, इसने जो भी कहा है वो। बस मरने वाले के बारे में एक और खास जानकारी मिली है। वो क्या? उसके जूतों में मुझे मिट्टी मिली है और उस मिट्टी से ये पता चलता है कि आखिरी बार वो किसी गार्डन में गया था। पूरी काम करो, जीपीएस से पता लगाओ आखिरी बार वो आदमी गया कहाँ था और क्या उस जगह के आसपास कोई गार्डन है क्या। चा?
सर ये आदमी शहर के बाहर एक रेजिडेंशियल एरिया है जगनवाड़ी, वहां पर गया था। सर जीपीएस के हिसाब से ये वही जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। सुनिए, आप जानती हैं इसे? हाँ, ये तो सुरेश है, हमारे पड़ोस में रहता है, वो रहा उसका घर। पर आप लोग कौन है? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। बात ये है कि हमें सुरेश की लाश मिली है, मौत हुई है उसकी। बड़ा अच्छा आदमी था, इतने बड़े घर में अकेले रहता था, बड़ा मेहनती था और अपना बिजनेस अच्छे से संभालता था। ऐसी कोई और बात आप बता सकते हैं जिससे हम उसके बारे में कुछ और जान सकें? हाँ, वो विदेश यात्रा के लिए निकल जाया करता था और महीने के 15-20 दिन गायब रहता था। चलो, उसका घर चेक करते हैं। दरवाजा खुला है? हाँ। सामान तो पूरा बिखरा हुआ है। लगता है कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। सर शायद खूनी होगा जिसे सुरेश से कुछ चाहिए होगा। और सुरेश ने देने से इनकार कर दिया। और नहीं मिला तो उसने शायद सुरेश को मार डाला। अच्छी तरह से घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। खाली है, अंदर कुछ भी नहीं। लगता है खूनी सब कुछ लेकर गया यहां से। तो फिर ये केस खून के साथ साथ लूट का भी हो गया सर, और ये लूट पिछले 8 घंटे में हुई है सुरेश के मरने के बाद। काम करो, या कि सारी फिंगरप्रिंट जुटाओ, एक एक फिंगरप्रिंट। हैं? सो जा। क्या आप बता सकती हैं पिछले 8 घंटों में घर में कोई आया था या घर से कोई बाहर गया था? मैंने किसी को आते जाते तो नहीं देखा। हाँ, एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी देखी थी, वो पहले कभी नहीं दिखाई दी, पहली बार देखी थी। शायद उसी में खूनी आया होगा सर। उसका नंबर नंबर कुछ याद है आपको? कुछ देखा था? आगे के कुछ नंबर तो याद नहीं, हाँ पीछे के कुछ नंबर याद है, 2334 ऐसे कुछ था। 2334, थैंक यू वेरी मच। आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी मदद की है हमारी। अभिजीत, लाल रंग की वैन जिसका नंबर है 2334, पता लगाना पड़ेगा और सारे कंट्रोल रूम्स में इसकी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। यस मैम। यस मैम, मे आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ पता बता दीजिए। या ये मेरा कार्ड है और यू कॉल मी एनी टाइम, इसमें मेरा एड्रेस भी है। वेरी फनी, हमें आपका पता नहीं, हमें मिस्टर विनोद का पता चाहिए। किस रूम में है वो? एक्चुअली मिस्टर विनोद ना, एक्सक्यूज मी, घबराइए मत, एक्चुअली मिस्टर विनोद ने ही हमें यहाँ बुलाया है। सॉरी, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मिस्टर विनोद से एक बार पूछना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। सरिता, मिस्टर विनोद से कहिए कि उनसे बहुत खूबसूरत लड़कियां मिलने आई हैं। यस सर। मिस्टर विनोद, आपसे 2 लड़कियां मिलने आई है। ओके, जाइए, आपको मिस्टर विनोद ने बुलाया है।
रूम नंबर 305। सर उस लाल गाड़ी के मालिक का पता चल गया, वो किसी विनोद के नाम पे रजिस्टर्ड है। यहाँ इस होटल में छुपके बैठा है। यस सर। भाई साहब आपके यहाँ कोई विनोद नाम का आदमी ठहरा है क्या? सॉरी सर, हम अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं देते ही अच्छी बात है, लेकिन हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? क्या हुआ सर? हुआ नहीं है, होने वाला है। आप हमें जरा मिस्टर विनोद का कमरा बताइए। सर बात क्या है ये तो बताइए। विनोद ने खून किया है और खून करके यहाँ छुप के बैठा है। खून किया सर? सर सर वो खूबसूरत लड़के को क्या होगा जो अभी अभी ऊपर गई हैं? कौन सी खूबसूरत लड़कियाँ? सर अभी दो लड़की आई थी, वो अभी अभी ऊपर गई हैं। अब जरा कमरा दिखाइए उसका। सर ये वाला रूम। मिस्टर विनोद, दरवाजा खोलिए। सर कोई आवाज भी नहीं आ रही। आपके पास मास्टर की है? यस सर। विनोद, 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 यहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि दो लड़कियां मिलने आई थी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं सर, हमने इसी कमरे में फोन करके पूछा था विनोद जी से, तभी लड़कियों को भेजा था यहाँ पर। फिर अचानक से गायब कहाँ से हो? ये तो कोई प्लानिंग लगती है। तुमने विनोद को होटल से बाहर जाते हुए देखा है? नहीं सर, मैं पूरे टाइम रिसेप्शन पर था और मैंने जाते हुए उन्हें नहीं देखा। अच्छी तरीके से चेक करो कमरे को, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा होगा उसने। सर, सर ये खून के निशान। यहाँ पे कुछ हुआ है सर? कहीं विनोद ने उन दोनों लड़कियों को मार के उनकी लाश को होटल में कहीं छुपा दिया और मौका देख के यहाँ से भाग गया। लाल रंग का धागा, ये तो किसी कपड़े का रेशा लगता है। सर कहीं किसी शर्ट या जैकेट का धागा तो नहीं? हो सकता है। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना सर। ओ, इस पे भी खून लगा हुआ है। तो धक्का मुक्की में जब यहां से निकला होगा तो ये कपड़े का रेशा यहां अटक गया। मैं सर एक बात बताओ, ये जो लड़कियां आई थी उनमें से किसी ने लाल रंग का कुछ पहना हुआ था क्या? हाँ सर, एक लड़की ने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था। फिर तो उस लड़की की ड्रेस का धागा ही है। और इन दोनों लड़कियों को रिसेप्शन पे तो किसी ने देखा नहीं जाते हुए, उसका मतलब हो सकता है ये होटल में ही हो दोनों। ठीक है, पूरा होटल छान मारो। और भी ये जो लॉबी में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज चेक करो। अगर वो लोग होटल से बाहर गए होंगे लॉबी से होकर ही जाएंगे। सर यही दोनों लड़कियां थी जो विनोद जी से मिलने आई थी। अब जरा आप कॉरिडोर की फुटेज दिखाइए, ये विनोद के कमरे में कब गई?
ये लोग अंदर तो नहीं थे। सर फॉरवर्ड करो, बाहर का वाइन। सर बाहर सिर्फ दोनों ही निकले। विनोद कहाँ गया? तो फॉरवर्ड करो। तो विनोद कहाँ गया? सर रूम में भी नहीं था और बाहर भी नहीं निकला, फिर ये विनोद गया कहाँ? एक मिनट, जब वो फोटेज दिखाना जब लड़कियां कमरे से बाहर निकली थी। स्टॉप, सूटकेस देखा? अब जरा वो फोटेज दिखाना जब ये अंदर गई थी। या स्टॉप स्टॉप, देखो जब कमरे के अंदर जा रही थी तब सूटकेस नहीं है, और जब बाहर निकली तो इतना बड़ा सूटकेस। कहीं ये विनोद सूटकेस के अंदर तो नहीं? सूटकेस में विनोद? हाँ, मार के अंदर डाल दिया हो। अब जरा एग्जिट की फुटेज दिखाइए। इन दोनों लड़कियों ने होटल कब छोड़ा? सर ये तो एक ही औरत बाहर जाते हुए दिख रही है, दूसरी औरत कहाँ गई? दूसरी कहाँ है? फॉरवर्ड करो। दूसरी वाली लड़की अभी भी होटल में है क्या? निकल। यस सर। जितने भी एग्जिट है ना होटल के सब बंद करवा दो। ठीक है सर। मैनेजर साहब। यस सर। सारे गेस्ट को नीचे बुलवाइए। जी। पूर्वी, इस दूसरी लड़की की फोटो ब्यूरो में भेजो। अपने क्रिमिनल डेटाबेस से चेक करो, इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है क्या? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका? ये गेट क्यों बंद है? आप प्लीज इसे से खोलिए, हमें घर जाना है। और ये कोई तरीका है? हम इज्जतदार लोग हैं, आप ऐसे हमें रोक नहीं सकते। आप लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए माफ कीजिए, लेकिन एक केस की जाँच चल रही है उसके लिए हम आशा करते हैं कि आप लोग कानून की मदद करेंगे। ये फोटो देखिए, इस औरत को पहचानती है? कहीं देखा है आप लोगों ने इस औरत को? कौन है ये औरत सर? सो सर पूरा होटल सील कर दिया, अभी यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। साथ ही साथ उस लड़की के बारे में पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। लड़की अगर मिली नहीं है तो फिर यहीं कहीं होगी। मैं सर कोई और दरवाजा है जहां से होटल से बाहर जा सकते हैं? सर यहाँ पे कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है, लेकिन पार्टी हॉल में एक दरवाजा है जहां से बाहर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर तो पार्टी चल रही थी। अरे पार्टी चल रही थी, बाहर तो जा सकते हैं ना। तुम फोटोग्राफर इधर आओ। यस। तुम पार्टी में थे? हाँ सर। फोटो खींचे? हाँ सर। कैमरा दो। सर ये वैसे ही रेड ड्रेस है जैसे उन दो औरतों में से एक ने पहना था। ये है वो औरत। ये किसी आदमी से बात कर रही है? एक मिनट, आप जिस औरत से बात कर रहे थे उसको जानते हैं? कौन सी औरत? ये औरत। मैं इसे नहीं जानता। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। पार्टी कहाँ चल रही थी? सर उस तरफ। सर फोटो के हिसाब से उस औरत ने वहां कहीं हाथ रखा है। यहाँ पे
पिंड तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हाथ रखा, पास में दरवाजा है, यहीं से निकल गई होगी। उठाओ इस पिंड को। सर एक बात गौर किया आपने, ये जो उंगलियों का ये ऊपर का हिस्सा है उसकी रेखाएं काफी मोटी हैं, जबकि औरतों के उंगली के इस हिस्से की रेखाएं बड़ी बारीक होती है, इसमें ऐसा नहीं है? ये रेखाएं तो मोटी है, मतलब मर्द की रेखाएं, लेकिन ये जो रेखाओं के हिसाब से जिसे हम ढूंढ रहे हैं, फिर तो वो कोई औरत नहीं है, कोई मर्द है। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, मैंने उन दोनों को नजदीक से देखा था और बड़े गौर से देखा था, वो दोनों लड़कियां थी। मेरे साहब साइंस और टेक्नोलॉजी झूठ नहीं हो सकती है, वो जो दूसरी औरत आपके होटल में आई थी वो एक मर्द है। सर शायद इसलिए हमारे डेटाबेस में उस लड़की की कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन इस फिंगरप्रिंट से उस मर्द की पहचान हो सकती है। जयवंती, ये फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर सालुंके की लैब में भेजो। यस सर। इसमें पसीने के डीएनए भी होंगे, से उस आदमी के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। उनके पसीने से जो डीएनए का टेस्ट किया उसका क्या रिपोर्ट आया? बस पसीने से डीएनए तलाश कर रहे हैं, जूता चप्पल तलाश नहीं कर रहे, टाइम लगता है यार, लंबा प्रोसेस है। अच्छा अच्छा, मतलब मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा उसके बाद में तू रिपोर्ट देगा। अच्छा सर, इसका मतलब हमें कुछ और एविडेंस की तलाश करनी होगी उस कातिल की पहचान के लिए। अच्छा अच्छा, अब आप भी बोलने लगे, पहली बार मतलब इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं आप लोग पहले ही अपने नतीजे पर पहुंच। अब यार ऐसी उल्टी सीधी बातें करने में जो टाइम वेस्ट कर रहा है उससे बेटर है काम पे लग जाता तो कुछ हाल लग जाता। यार सच कहूं ना तो कई बार तुम लोग और खास करके तुम मुझे बहुत हर्ट करते हो। ओ, मैंने दिल दुखाया? मैं क्या तेरी गर्लफ्रेंड हूं? नाटक बंद कर और साफ साफ बता क्या मिला। चल, इस पसीने में हमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला है जिससे हम खूनी के काफी नजदीक तक पहुंच सकते हैं। क्या मिला? इसमें हमें हाइपरगोल नाम का एक पदार्थ मिला है जो अक्सर दवाइयां बनाने के काम में आता है। जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, मतलब जिसका भी पसीना है वो बीमार है, ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता है कि उस बीमारी का नाम है हाइपरोंड्रिया। हाइपरोंड्रिया? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी की वजह से इंसान कई बार अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है, जिस वजह से उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और वो इंसान इधर उधर यूं ही बिना जाने घूमने लगता है। लेकिन ये बीमारी हमारे देश में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इट्स अ रेयर डिजीज। बॉस, बहुत कम ऐसे अस्पताल हैं जिसमें हाइपरोंड्रिया नामक बीमारी का इलाज होता है। अच्छा, हाइपरोंड्रिया। सचिन, ढूंढो सारे हॉस्पिटल्स जहां पर इस बीमारी का इलाज होता है और वहां से उनके पेशेंट्स की लिस्ट भी लेकर आओ। हमें जिसका इंतजार है वो उन्हीं लिस्ट में से कोई एक है, उन्हीं पेशेंट्स में से कोई एक। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, यस। हम लोग सीआईडी से हैं। एक्चुअली हम लोग एक खून के केस की जांच कर रहे हैं और हमारा सस्पेक्ट आपका मरीज है। कौन है वो, ये तो आप बताइए। आप किसी ऐसे आदमी का इलाज कर रहे हैं जिसे हाइपरोंड्रिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी का इलाज तो मेरे पास तीन लोग करवा रहे हैं। शायद इनमें से एक हमारा सस्पेक्ट है। ओके,
ये रही वो फाइल। थैंक यू डॉक्टर। ये तो वही आदमी है जो होटल में था, तो निखिल के साथ दरवाजे बंद करवा रहा था। तो ये है वो दूसरी औरत। एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, वो वेटर कहाँ जो निखिल के साथ दरवाजा बंद करने गया था? क्यों सर, क्या हुआ? सवाल मत करो, जवाब दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। सर वो तो घर चला गया, उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी ना, वो वैसे रेस्ट रूम में रहता था, आज वो जल्दी चला गया, कुछ हड़बड़ी में था सर। मुझे मालूम है क्यों हड़बड़ी में था वो। वो रेस्ट रूम कहाँ है? सर होटल के पीछे। देवंत निकल, जा देखो रेस्ट रूम में जो मिलता है लेके आ। ये लॉकर है। चालाक है, फोन इसमें रख के गया ताकि हम उसे ट्रेस ना कर सके। सर ये बैग और ये मोबाइल फोन मिला है। बैग में और कुछ है? नहीं सर। लगता है वेटर बड़ी जल्दी में था, अपना सारा सामान यही भूल के चला गया। फोन लॉक है, इस फोन को अनलॉक करवाओ, इसके अंदर जितनी फोटोज हैं, वीडियोज है, कॉल लिस्ट सब छान मारो, अब ये फोन ही हमें उस तक पहुंचाएगा। क्या बात है सरंगे, बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। बस इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, इसे क्या बीपी कंट्रोल में रहता है, चेहरे पर झुर्रियां जरा कम आती है। अच्छा अच्छा हैंडसम, फोन से क्या पता चला, बता जल्दी। कोई फोटोज नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है इस फोन में से। रिकॉर्डेड कॉल, तो फिर सुनते ना। हां सर सुना तो। अच्छा बस ये हमें होटल में से जो वेटर का बैग मिला था, इस पे मुझे काई मिली, एल्गी जिसे सी वीड कहते, वो सी वीड समुद्री काई। सर ये क्या हिब्रू भाषा में बात कर रही है? नहीं फ्रेडी, बैकग्राउंड में साउंड बहुत है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही। सर दो लोगों के बात करने की आवाज है। तारिका जरा और क्लियर कर सकती हो क्या आवाज? हाँ सर। लगता है कोई खास डील की बात चल रही है। असल लेकिन डील कहाँ होने वाली है इसका पता नहीं चला। पता चल सकता है सचिन, अगर आवाजें साफ सुनाई पड़े तो। सर इसके लिए हमें इस टेप को आईटी डिपार्टमेंट भेजना पड़ेगा, ताकि वो साउंड्स को अल्ट्रा फिल्टर करके ह्यूमन वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं हमारे पास वक्त नहीं है, एक काम करो जरा फिर से सुना। हाँ सर। सुना फिर से। सर ये तो किसी पानी के जहाज के सायरन की आवाज है। जयंती फॉग हॉर्न का आवाज है ये, फॉग हॉर्न। अक्सर जब फॉग होता है ना, कोहरा होता है, तब ये सायरन बजाया जाता है बाकी जहाजों को सतर्क करने के लिए। सर मतलब जहाँ ये कॉल रिकॉर्ड हुआ है वो जगह बंदरगाह के पास है? बिल्कुल,
जल्दी से जल्दी ये जगह ढूंढनी चाहिए, पहुंचना चाहिए हमें इससे पहले कि ये डील हो जाए। लेट्स गो। वेलकम वेलकम वेलकम। कहाँ है तुम्हारा बॉस? बॉस यहाँ है। मिस्टर विनोद से कहिए कि उनसे बहुत खूबसूरत लड़कियां मिलने आई हैं। हाँ ठीक है, उन्हें मेरे रूम में भेज दो। खुशामदी, आइए। वादे के अनुसार मैंने आप लोगों को हीरो के सैंपल्स तो भेज ही दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। हाँ, पर हमें डीलिंग के लिए पार्टी में मिलना था, वो वादा तो आपने पूरा नहीं किया। क्या होता है ना, कभी कभी एक वादा पूरा करने के लिए बाकी कई वादे तोड़ने पड़ते हैं, और मैंने भी वही किया। खैर, हमें तो अपने हीरो से मतलब है, और वो हमें आपसे मिले तो हमें कोई परेशानी नहीं। अब जरा उन कीमती हीरो के कीमत के दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। पूरे 5 करोड़ है, अब आप भी हीरो के दर्शन दिखा दीजिए। Fantastic. Thank you very much. आप लोगों के साथ बिजनेस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो फटाफट, जल्दी जल्दी चल, चल ना, चल। जल्दी चल। तुम लोग? हाँ। चल। सेवा करने के लिए आया है, चल। ए! जल्दी चल। हाथ ऊपर। ए! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चल। देखो, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। तेरे बुरे अंजाम का तो फैसला उसी समय हो गया था जब तू हम लोगों को धोखा देकर हीरे चुरा कर भागा था। अब ये हीरे हमारे साथ ही जाएंगे और तू जाएगा ऊपर भगवान के पास, समझा? देखो, ये सही नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। दोस्त? डंक मारने वाला दोस्त? तूने क्या सोचा, हमें भी सीआईडी की तरह धोखा देगा? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ए ला, बैग मुझे दे। धोखेबाज! बस बस, कहाँ जा रहा है? बहुत होशियार समझता है? आप, मैंने मारा सुरेश को। क्यों? क्यों मारा? हीरो के लिए। हीरो के लिए? हमें पता चल गया था कि सुरेश विदेश से हीरा स्मगल करता है। हमने तभी सोच लिया था कि क्यों ना रास्ते में ही हीरे लूट ले उसे और रातों रात अमीर बन जाए, इसलिए खून कर दिया उसका। क्यों सर, हम सुरेश को मारना नहीं चाहते थे। हमें पता चल गया था कि सुरेश हीरे लेकर मॉल के पार्किंग लॉट में था,
हम बस उससे हीरे छीन कर वहां से चले जाना चाहते थे, पर सुरेश ने हीरा अपने घर पे छुपा के रखा था। तुमने उसके घर की चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने आसानी से तुम्हें चाबी नहीं दी। मजबूरन उसे मारना पड़ा सर। फिर सुरेश की लाश तुमने हरीश की गाड़ी के डिक्की में डाल दी। उस वक्त हरीश मॉल में गया था ड्रग्स का डील करने के लिए, है ना? और फिर हम सुरेश के घर पे चले गए, वहां से हीरे लिए और अलग अलग हो गए ताकि हम पे किसी को शक ना हो। पर दूसरों को धोखा देने वाले खुद धोखे में आ गए। वो हीरे नकली थे। क्यों? और असली धोखेबाज तो विनोद था, जिसने असली हीरे अपने पास रख के नकली हीरे हम लोगों को थमा दिए। तो तुमने सोचा कि विनोद के मार के बदला भी पूरा हो जाएगा और हीरे भी मिल जाएंगे, है ना? हमें पता चल गया कि ये हीरो का सौदा होटल में करने वाला है। पर विनोद को पता चल गया कि उसके पीछे सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी पीछे पड़े थे। और इसीलिए मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा। मैंने कुछ पैसों के लालच देकर वेटर को अपने साथ मिला लिया और अपने आप को होटल से गायब करने का सारा इंतजाम कर डाला। इन वेटर्स को औरत बनाकर, हैं? तुम में से एक ने इसे सूटकेस में बंद करके होटल से बाहर निकाल दिया। लोगों को लगा कि विनोद मर गया है, विनोद गायब, और तुम्हारा भी काम हो गया। क्यों? मास्टर स्ट्रोक। और उसके बाद किसका रोल शुरू हो गया? वेटर का। हाँ, विनोद के बाद हीरो का सौदा मैंने ही किया क्लाइंट के साथ। पर हमें विनोद की चाल का पूरा अंदाजा था, इसलिए हमने कभी यकीन नहीं किया कि विनोद मर चुका है। हम विनोद के क्लाइंट को पहचानते थे। जब हमने वेटर को क्लाइंट के साथ देखा, तब हम पहचान गए थे कि विनोद ने उसे अपने काम के लिए रखा। तब हमने इसे पैसे दिए और इसने हमें विनोद का लोकेशन बताया। विनोद, अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाकर तुमने हीरे लूटे और फिर लालच में आ गए। तुमने सोचा क्यों नहीं सारे हीरे मैं अपने आप के लिए रख लूं, इसलिए उन्हीं दोस्तों के साथ तुमने धोखा किया, गद्दारी की, असली हीरो की जगह नकली हीरे दे दिए उन्हें। इस सारे चक्कर में तुमने एक खून भी किया, सुरेश का खून। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.